नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां शहीद के परिजनों ने सरकार की भ्रष्ट तंत्र व्यवस्था पर आरोप लगाए हैं। पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल कुमार रावत की पत्नी ममता रावत ने शासन और प्रशासन पर आरोप लगाया है कि ये सरकार शहीदों के परिवार के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है। आगरा प्रशासन पर आरोप लगाते हुए ममता रावत ने कहा कि आगरा आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की कोशिश की तो प्रशासन ने जबरदस्ती हमारी गाड़ी और मोबाइल छीन लिया, यहां तक कि हमें महिला थाने में बिठा दिया। उन्होंने कहा कि आगरा जिला अधिकारी ने झूठ बोलकर हमारा धरना खत्म करवाया था। ममता रावत ने कहा कि अगर सरकार का यही रवैया रहा तो भविष्य में हम भाजपा के किसी भी मंत्री से शहीद की प्रतिमा का अनावरण नहीं करवाएंगे, क्योंकि उन्हें शहीद की शहादत का सम्मान करना नहीं आता। अब पुलवामा में शहीद हुए सभी सैनिक के परिवार आगे की रणनीति बनाएंगे। इसी संदर्भ में आइए देखते हैं ममता रावत और उनके बेटे ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। अभिषेक रावत, आज आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने गए थे? सर, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने गए थे अपना समझ के कि हमारे जन में हमारे हित में कुछ बोलेंगे, लेकिन उसका उल्टा हुआ। हमें ऐसे ट्रीट किया गया, हमारे घर से ही हमारे घर पे पुलिस वाले आ गए, दो कांस्टेबल आ गई, हमारी मेरी माताजी को धक्का दे रही हैं, अपना चाहिए, हमारी गाड़ी के सामने खड़े हो गए पुलिस वाले। हमें आगे तक नहीं बढ़ा, हम फिर उसके बाद पैदल चलना चालू किया, हमारे को गाड़ी में स्टक कर दिया गया, हमारी गाड़ी में हमें बंद कर दिया गया। मम्मी की बगैर दो महिला कांस्टेबल बैठा दिया, हमें बाहर भी नहीं निकलने दिया। वहाँ के बाद हम वहाँ पहुँचे उनके जहाँ पर ताज विलास करके कोई जगह थी जहाँ पर इनका कोई फंक्शन था, वहाँ पहुँचे, वहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरा ऐसे इकट्ठा हो गया जैसे हम कोई अपराधी हैं। हमारा जबकि कहना ये था सर, बस मिलना चाहते हैं, अपनी कुछ बातें हैं वो रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के आगे। आज मैं गई थी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया तो वहाँ हमको उठा के नहीं, और साथ में पुलिस वाले हमारी गाड़ी में बैठ गए और अपनी गाड़ी में ले जाके हमको थाने पहुँचा दिया। जबरन जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ले गए थे और 10 मिनट तक उन्होंने हमको वहाँ थाने में रखा। 10 मिनट के बाद जब मैंने वहाँ पे मतलब सवाल जवाब किए तो उन्होंने वहाँ से हमको सर्कस हाउस भिजवा दिया। सर्कस हाउस में बैठा के नहीं बोले मिलवाएंगे। शाम को 4:30 बजे वो हमको एयरपोर्ट पे ले गए। एयरपोर्ट पे ले जाने के बाद 2-3 घंटे हमको वहाँ गाड़ी में रखा और मुख्यमंत्री जी चले गए, लेकिन हमको फिर भी नहीं मिलवाया वहाँ पर। और DM इतना निकम्मा है जिसका जवाब नहीं है। पहले भी धरने पर बैठी थी, जब भी बस वो पैसे वाली कहानी थी वो जरूर बस मिल गई है, बाकी कहीं द्वार का नाम लगवा दी, शुरुआत करवा दिया है, बाकी और कोई काम नहीं करवाया। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें जनसंदेश टाइम्स।